प्रणाम मित्रों, आप ही के अपने YouTube चैनल स्विंग स्टॉक में मैं चोपड़ा राकेश आपका दोस्त और होस्ट आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हमने जो पार्ट वन बनाया था फोमो के माहौल में टॉप फाइव स्टॉक जो आपका पैसा डबल कर सकते हैं, इसका पार्ट टू है। लेकिन ये मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र से है। मिड कैप और स्मॉल कैप में फोमो के माहौल में आपका पैसा डबल करने वाले स्टॉक अलग अलग सेक्टर से हमने निकाले हुए हैं। पहला सेक्टर है मिल्क सेक्टर, दूसरा सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, तीसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, चौथा सेक्टर है सी फूड सेक्टर और पांचवा सेक्टर है ऑटो सेक्टर। डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये पांच स्टॉक निकाले हुए हैं मेरी सोच और मेरे रिसर्च के हिसाब से निकाले हुए। आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लें और कोई भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र से पहला स्टॉक है अपोलो टायर। ऑटो सेक्टर का भविष्य काफ़ी अच्छा मालूम पड़ता है, इसके हिसाब से हमने पहला स्टॉक निकाला हुआ है अपोलो टायर। अपोलो टायर अभी चल रहा है 128 से लेकर 134 तक और आज अभी मिल रहा है 130 पे। 52 वीक लो है 73 का, 52 वीक हाई है 197 का। टर्नओवर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अर्निंग पर शेयर है 8 का, पी रेशियो है 15 का, बुक वैल्यू है 173 की। बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है मित्रों। आप सोचें मित्रों ये शेयर महंगा है कि सस्ता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखें, वीडियो को पॉज करें। हाँ मित्रों, ये सस्ते भाव पर यानी कि मीडियम भाव पर अभी उपलब्ध है। अपोलो टायर की बाइंग रेंज जानते हैं मित्रों। अपोलो टायर अभी 130 पे चल रहा है तो मुझे लगता है तो करेक्शन होगा, तब 115 के आसपास आएगा। तो हम लोगों को अपोलो टायर को बाय करना है 90 से लेके 120 के बीच में, कहीं पे भी आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं कहीं पे भी। और स्टॉप लॉस रखना है मित्रों 89 का, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और हमारा टारगेट डबल का रहेगा। आप जब भी लेंगे मित्रों तो हमको डबल पे बेच देना है। तो अगर हम टारगेट के हिसाब से सोचें तो ये टारगेट कैसे आ सकता है, आइए टारगेट के बारे में जानते हैं। अपोलो टायर का अर्निंग पर शेयर अभी 8 का है और पी रेशियो 15 का है। अगर मार्केट आगे बढ़ता है मित्रों तो कोई भी कंपनी का पी ज़्यादा मिल सकता है। इसी हिसाब से अर्निंग पर शेयर अपोलो टायर का 8 रहता है और पी रेशियो 30 का मिलेगा आने वाले एक साल में, तो ये शेयर का टारगेट 240 आ सकता है। अगर अपोलो टायर ज़्यादा पैसा कमाती है जैसे कि हमको आशा है तो अर्निंग पर शेयर 10 का होगा। अगर पी रेशियो 20 का मिलेगा तो टारगेट 200 का आएगा, और अर्निंग पर शेयर 10 का मिलेगा और पी रेशियो 30 का मिलेगा तो हमारा टारगेट 300 का आएगा। तो ओवरऑल हमारा टारगेट 200 के आसपास आ सकता है। अगर आप लोग 90 पे लेते हैं तो आपका टारगेट 180 का रहेगा। अगर आप लोग 100 पे लेते हैं तो आपका टारगेट 200 का रहेगा। अगर आप लोग 120 पे लेते हैं तो आपका टारगेट 240 रहेगा। इसके हिसाब से हमारा टारगेट 180 से लेकर 240 तक रहेगा। आप अपना पैसा डबल हो जाए तो अपोलो टायर में आप अपना शेयर बेच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है डेयरी सेक्टर से पराग मिल्क। पराग मिल्क अभी चल रहा है 103 से लेके 111 के बीच में और अभी मिल रहा है 105 के आसपास। पराग मिल्क का 52 वीक लो है 48 का, 52 वीक हाई है 184 के आसपास। अर्निंग पर शेयर है 11 का, पी रेशियो है 8 का और टर्नओवर काफ़ी बढ़िया चल रहा है और बुक वैल्यू है 108 की। मित्रों वीडियो को पॉज करें और आप सोचें सस्ता शेयर है कि महंगा शेयर। हाँ मित्रों, आपने सही पहचाना, ये सस्ते भाव पर उपलब्ध है पराग मिल्क। डेयरी सेक्टर की आने वाले समय में बहुत ही ग्रोथ रहने की संभावना है, इसके हिसाब से हमने पराग मिल्क निकाला हुआ है। पराग मिल्क की बाइंग रेंज जानते हैं, अभी 105 पे चल रहा है तो मुझे लगता है कि 198 के आसपास तो आएगा ही, तो हमको बाय करना है 90 से लेके 100 के बीच में। आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 88 का, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और आप जब भी ले तो हमारा टारगेट डबल का रहेगा मित्रों। और ये डबल का टारगेट कैसे रह सकता है ये हम अर्निंग पर शेयर और पी के हिसाब से आइए जानते हैं। पराग मिल्क का अगर अर्निंग पर शेयर जितना है उतना ही रहता है यानी कि 10 के आसपास, और उसको पी रेशियो 20 का भी मिलता है तो भी टारगेट 200 का आ जाएगा। अगर पराग मिल्क का अर्निंग पर शेयर बढ़ के आता है 15 के आसपास कहीं पे भी और पी रेशियो 10 का मिलेगा तो टारगेट 150 का मिलेगा। अगर अर्निंग पर शेयर 15 का रहेगा और उसका पी 20 का मिलेगा तो टारगेट 300 का आएगा। मित्रों आप अपने हिसाब से अर्निंग पर शेयर को सोच तक सकते हैं और पी रेशियो 20 या 30 अपने हिसाब से सोच के टारगेट अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं मित्रों। इसी हिसाब से ही टारगेट निकालना पड़ता है मित्रों। और
पराग मिल्क के इसके हिसाब से हमारा टारगेट 200 के आसपास रहेगा। आप जब भी ले 100 पे ले तो टारगेट 200 का रहेगा, अगर आप 90 पे ले तो टारगेट 180 का रहेगा। टारगेट एक साल में आ जाए तो एक साल में निकल जाना है, 6 महीने में आ जाए तो 6 महीने में निकल जाना है। जी हाँ मित्रों, टारगेट 6 महीने में भी आ सकता है और 1 साल या 2 साल में भी आ सकता है। 2 साल में पैसा कुछ कम नहीं होता है मित्रों, जी हाँ मित्रों, बहुत ही बढ़िया होता है। आइए अगले स्टॉक के बारे में जानते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मित्रों एक बात बता दूं, अगर आपको हमारी एनालिसिस और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहता है मित्रों, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है मित्रों, और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी फैमिली को बढ़ाएं। अगला स्विंग स्टॉक है मित्रों डेक्कन सीमेंट, सीमेंट सेक्टर से। डेक्कन सीमेंट अभी चल रहा है 260 से लेकर 280 के बीच में, और अभी मिल रहा है 273 पे। डेक्कन सीमेंट का 52 वीक लो है, 161 का 52 वीक हाई है 409 के आसपास, और कंपनी का टर्नओवर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अर्निंग पर शेयर है 40 का, पी रेशियो है 6 का, बुक वैल्यू है 321 की। मित्रों वीडियो को पॉज करें और सोचें ये सस्ता शेयर है कि महंगा शेयर है। हाँ मित्रों आपने सही पहचाना है, बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध है कंपनी, और अभी सीमेंट सेक्टर में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ होने की पूरे पूरी संभावना है, और ये रेट भी सस्ता है, इसके हिसाब से काफ़ी सस्ते रेट पर डेक्कन सीमेंट अभी उपलब्ध है। डेक्कन सीमेंट को बाय करना है मित्रों 225 से लेकर 270 के बीच में, कहीं पे भी आप बाय कर सकते हैं। आप जब भी ले आप अपना टारगेट डबल का रखें मित्रों, और स्टॉप लॉस 220 का रखें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपका भाव डबल हो जाए मित्रों 6 महीने 1 साल 2 साल में तब आप निकल जाए, तो इसका टारगेट डबल का किस तरह से आ सकता है, तो ये हमने अर्निंग पर शेयर और पी के हिसाब से प्रेडिक्शन करके निकाला हुआ है। अगर आप देखना चाहिए तो देखें डेक्कन सीमेंट का प्रेडिक्शन। डेक्कन सीमेंट का अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ता है मित्रों, 40 का ही रहता है, तो उसका पी रेशियो 10 का मिलेगा तो भी टारगेट 400 का आएगा। अगर अर्निंग पर शेयर उतना ही रहता है 40 का और पी रेशियो 15 का मिलेगा मित्रों तो भी टारगेट 600 का आएगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो भी निकाल सकते हैं। अगर अर्निंग पर शेयर 45 का आएगा और पी रेशियो 10 का आएगा तो भी टारगेट 450 का आएगा। मित्रों सोचे अर्निंग पर शेयर घट के आता है 30 का आता है, लेकिन मार्केट बढ़ रहा होता है तो उसको पी रेशियो ज़्यादा मिलेगा, तो पी रेशियो 20 का मिलेगा। अर्निंग पर शेयर अगर 30 का भी रहता है तो भी टारगेट 600 का आएगा। इसके हिसाब से हमारा टारगेट डेक्कन सीमेंट का 500 के आसपास रहेगा। तो आप जब भी डेक्कन सीमेंट ले 270 से आगे मत ले, 270 से नीचे ले तो आप जब भी ले तो अपना टारगेट डबल हो जाए मित्रों, तो डेक्कन सीमेंट को बेच दे। अगला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से है मित्रों। इंजीनियर्स इंडिया अभी चल रहा है 67 से लेकर 70 के बीच में, और अभी मिल रहा है 68 के आसपास। इंजीनियर्स इंडिया का 52 वीक लो है 49 का, 52 वीक हाई है 123 का, और टर्नओवर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अर्निंग पर शेयर है 8 का, पी रेशियो है 8 का, डिविडेंड देता है 4.5 रुपीस का, डिविडेंड यील्ड 6% की है। मित्रों वीडियो को पॉज करें, सोचें ये सस्ता शेयर है कि महंगा शेयर है। मित्रों आप भी सीखें, इसीलिए हमारे साथ इंटरेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें ये सस्ता शेयर है कि महंगा शेयर है। हाँ मित्रों आपने सही पहचाना है, ये बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध है इंजीनियर्स इंडिया, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काफ़ी सारे ऑर्डर भी आ सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया को। हमें इंजीनियर्स इंडिया को बाय करना है इसी रेंज में 65 से लेकर 70 में। हाँ मित्रों फोमो का शिकार बिल्कुल मत बने, ये बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध है, और मार्केट भले ही बढ़ गया हो लेकिन इंजीनियर्स इंडिया अभी बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध है। 65 से लेकर 70 के बीच में बाय करें, स्टॉप लॉस 64 का स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हमारा टारगेट डबल का रहेगा मित्रों, जब भी अपना टारगेट डबल का हो जाए तो इसको बेच दें, जब भी हो जाए 6 महीने 1 साल 2 साल में जब भी डबल हो जाए तब इंजीनियर्स इंडिया को बेच दे। तो हमने कैसे ये टारगेट निकाला, ये अर्निंग पर शेयर और पी हिसाब से प्रेडिक्शन करके निकाला हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखें। अगर इंजीनियर्स इंडिया का अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ता है 8 का ही रहता है, उसको पी रेशियो 16 का मिलेगा तो भी उसका टारगेट डबल का हो जाएगा और हमारा शेयर डबल हो जाएगा। अगर इंजीनियर्स इंडिया का अर्निंग पर शेयर 10 का रहेगा और पी रेशियो 10 का मिलेगा तो भी टारगेट 100 का आएगा। अगर पी रेशियो 13 का मिलेगा तो टारगेट 130 का आएगा।
अर्निंग पर से 10 का रहेगा और पी रेशियो 15 का मिलेगा, तो टारगेट 150 का है। इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अर्निंग पर शेयर सोच सकते हैं और पी 10 या 15 के आसपास सोच के अपना टारगेट भी निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से हमारा टारगेट इंजीनियर्स इंडिया में 130 से लेकर 140 का आएगा। तो आप जब भी ले 70 पे ले तो अपना टारगेट 140 पे रखे, और जब भी अपना टारगेट आ जाए तो इंजीनियर्स इंडिया को भेज दे और एंजॉय करें मित्रों, और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और दूसरे स्टॉक में भी डबल पैसा कमाएं। इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेके अपना पैसा टूक समय में डबल बनाएं और करोड़पति बने। अगला स्टॉक है सी फूड सेक्टर से, जो कि अभी बहुत ही सी फूड सेक्टर में निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी जाहिरात सी फूड के हिसाब से की हुई है। तो इसके हिसाब से हमने निकाला हुआ है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स अभी चल रहा है 376 से लेके 476 से लेके 501 के बीच में, और अभी मिल रहा है 483 पे। अवंती फीड्स का 52 वीक लो है 250 का, 52 वीक हाई है 770 का। अवंती फीड्स का अर्निंग पर शेयर है 25 का, पीई रेशियो है 19 का, और कंपनी का टर्नओवर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। कंपनी डिविडेंड देती है 5 रुपीज के आसपास, डिविडेंड यील्ड 1% का है। मित्रों वीडियो को पॉज करें और हमारे साथ इंटरेक्ट करें, ये सस्ता शेयर है कि महंगा शेयर है, आप अर्निंग पर शेयर पीई टर्नओवर सबके हिसाब से सोचें। हाँ मित्रों, ये थोड़ा महंगा भाव पर उपलब्ध है, अगर ये 425 के आसपास मिलता है तो काफ़ी अच्छे रेट पर मिल जाएगा, लेकिन मित्रों मेरे हिसाब से 450 से बाउंस बैक करेगा, तो आप 450 पे ले सकते हैं। लेकिन हमारी बाइंग रेंज रहेगी अवंती फीड्स में 400 से लेकर 450 के बीच में। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 399 का, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और आप जब भी कोई भी रेट पे ले 450 तक ले, उससे आगे मत ले, तब हमारा टारगेट डबल का रहेगा। आप अपना टारगेट सोच लें मित्रों, अगर हमारा टारगेट 6 महीने 1 साल या 2 साल में कभी भी आ जाए तो ये शेयर को बेच दे और लाइफ को एंजॉय करें। हमने ये टारगेट कैसे निकाला है, ये अर्निंग पर शेयर और पी का प्रेडिक्शन करके निकाला हुआ है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखें। अवंती फीड्स का अर्निंग पर शेयर 25 का ही रहेगा, अगर उसका पी रेशियो 30 का मिलेगा तो टारगेट 750 का आ सकता है। अगर अर्निंग पर से 25 का ही रहता है लेकिन पी रेशियो 40 का मिलता है, जो कि मार्केट जब भी हाई पे चलता है, तो अवंती फीड्स को 40 या 50 का भी पी रेशियो मिलता है, उसके हिसाब से टारगेट 1000 का आ सकता है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ के आता है जैसा कि हमको आशा है, तो 30 का अर्निंग पर शेयर आता है और पी रेशियो 30 का आता है, तो हमारा टारगेट 900 का रहेगा। मित्रों आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, अगर 30 का अर्निंग पर शेयर रहता है, पी रेशियो 40 का मिलता है, तो टारगेट 1200 का रहेगा। इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से टारगेट अवंती फीड्स में 800 से लेकर 900 के बीच में आ सकता है। जब भी आपका टारगेट आ जाए तो मित्रों शेयर को बेच दे और लाइफ को एंजॉय करें। ऐसे ही नए नए आइडियाज जानने के लिए हमारी चैनल को सपोर्ट करें, मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे हमारी फैमिली बढ़े। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत